अंबेडकर चौराहे पर स्थित पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते हर प्रोडक्ट की खरीद पर एक गिफ्ट एश्योर्ड मिलेगा, वो भी मार्केट से रीजनेबल प्राइस पर। दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा दुकान पर विजिट भी कर सकते हैं। जीवन समर्पण कर दिया। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा आज पंधाना पहुंचे। उन्होंने पंधाना की भाजपा प्रत्याशी छाया मोरे के पक्ष में एक जनसभा की। इस दौरान हिंदू नेता अशोक पालीवाल, राजपाल सिंह तोमर जो पंधाना के प्रभारी हैं, भाजपा के स्थानीय नेता, कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद थी। आपको बता दें, हिंदूवादी छवि के नेता हेमंत बिस्वा को सुनने के लिए काफी संख्या में पंधाना में कार्यकर्ता और आम जनमानस मौजूद थे। छाया मोरे ने भी सभी को विश्वास दिलाया कि वह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगी और जो उम्मीदें उन्होंने छाया मोरे सहित भाजपा से पाली हैं उन पर वह 100% खरा उतरेंगी, ऐसा विश्वास उन्होंने दिलाया। हेमंत बिस्वा ने मंच पर अपने चिरपरिचित अंदाज में राहुल गांधी को खूब घेरा। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय राहुल गांधी खूब मंदिर जाते हैं और ये देखकर जाते हैं कि कहीं कोई मुस्लिम या अन्य कोई समाज का व्यक्ति उस मंदिर में जाने से तो नाराज नहीं होगा, लेकिन कभी आपने देखा कि वो रामलला के मंदिर गए हैं? इस तरह की बातें उन्होंने की। इस तरह की बातें करने के लिए, इस तरह के भाषण देने के लिए वो जाने जाते हैं। उनका धुआंधार भाषण जो है वो लोगों को खूब लुभा रहा था, ऐसा लोगों का मानना था। आइए अब उनका भाषण सुनवाते हैं। आज तक तो रामलला का मंदिर में नहीं गया है क्या राहुल गांधी रामलला का मंदिर में गया है? आपने देखा है? गया है। वो जा रहा है जो मंदिर, कहां जा रहा है? चुनाव का समय में मंदिर जाता है और सुन सुन के जाता है। जो मंदिर जाने में बाबर का कोई कंप्लेन नहीं होगा, राम मंदिर जाने से तो बाबर लोग गर्म हो जाएगा, इसीलिए वो लोग डर के मारे राम मंदिर नहीं जाते हैं। तो इसीलिए मैं कमलनाथ जी आपको बोलना चाहता हूं, राम मंदिर बीजेपी का है कि नहीं अलग बात है, लेकिन राम मंदिर कांग्रेस का नहीं, ये बात आप मुझसे गारंटी से सुन लीजिए। थोड़े दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ में कॉम्प्लेन किया है कि आप अकबर का खिलाफ क्यों बोला। मैं बोला ये देश में मैं पैदा होके अगर बाबर अकबर औरंगजेब का खिलाफ ना बोलो तो किसका खिलाफ मैं बोलो? मुझको तो उसी का खिलाफ बोलना है। मैंने चुनाव आयोग को लिख दिया कि जब तक मेरा जिंदगी है तब तक मैंने बाबर अकबर और औरंगजेब का खिलाफ बोलते रहूंगा, उसमें मेरा कोई दुख नहीं है। इसलिए ये देश का जब सनातन हिंदू का ढांचा गिराने का पहला कोशिश किया था वो बाबर ने किया, औरंगजेब ने किया, इसका कारण ही आज भी हमें लड़ना पड़ता है कि कब ज्ञानवापी मंदिर बने, मस्जिद का जगह में कब महादेव ज्ञानवापी मंदिर बनेगा, कब हमारे समानताएं सारे मुगल का जो अत्याचार था उससे हम कब मुक्त होगा। भाई और बहनों, आज आप देख सकते हैं कांग्रेस का अंदर कमलनाथ जी बोल रहा है कि दिग्विजय सिंह का कपड़ा उतार लो, कपड़ा फाड़ लो। आप खुद देख रहे हैं मदरसा खोलने वाला पार्टी को वोट देना है कि मदरसा बंद करने वाला पार्टी को वोट देना है, ये आप लोगों को सिद्धांत लेना है। भाई और बहनों, शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में विकास का गंगा लेके आया। आज शिवराज जी ने जो लाडली बहन का योजना का जो निर्माण किया, आप देख सकते हैं कितना माओ का सम्मान बढ़ा है, कितना बहनों का सम्मान बढ़ा है। 1000 रुपया से स्कीम को चालू किया, अभी 1250 रुपया काल भी दीपावली का एक दो दिन पहले सबका अकाउंट में 1250 रुपया जमा हुआ है। मेरा शिवराज सिंह जी से बात हुआ था, शिवराज जी ने मुझको बताया कि ये 1250 रुपया को ले जाके मैं 3000 रुपया तक पहुंचा दूंगा। लाडली बहना स्कीम से हम 1250 स्कीम है और स्कीम को छत्तीसगढ़ में भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। गैस का सिलेंडर का भी दाम कम करने का बात बोला गया और तमाम गरीब का आज आप देख सकता है। मैं तो बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं, मैं भारत का कोने से आता हूं जहां साइना दो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है और टीवी में एक दूसरे को
कपड़ा फाड़ने का बात बोलता है। अरे कपड़ा फाड़ने का कोशिश तो महाभारत में द्रौपदी का होता है। अभी आप कहे दिग्विजय सिंह का कपड़ा फाड़ने चाहते हो, मतलब आप सोच सकता है कांग्रेस का हालत क्या है। सरकार बनता है कैबिनेट मीटिंग में ही हर दिन कपड़ा फाड़ने का ड्रामा शुरू हो जाएगा। कौन कितना लूट सकता है, लूटने का कारण वो लोग अपना बीच में यही शुरू करेगा, एक दूसरा का कपड़ा फाड़ेगा, दूसरा तीसरा का कपड़ा फाड़ेगा, तीसरा सोफा का कपड़ा फाड़ेगा और पूरा मध्य प्रदेश को देश में बदनाम कर देगा। आप सोचिए, को बोलना चाहता हूं कि देखिए देश को अगर किसी ने ध्वंस कर दिया है, ये तुष्टिकरण का राजनीति का कारण ही हमारा देश आज एक प्रकार नीचे जा रहा था, स्खलन हो रहा था, ये तुष्टिकरण का राजनीति का कारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में प्रधानमंत्री का गद्दी संभाला, दूसरा जगह में सबका साथ सबका विकास नीति प्रधानमंत्री जी ने लेके आया और आज सारों और आप लोग मद्रासा टीचर का सैलरी का फाइल है। मैं बोला कौन सा मद्रासा टीचर, बोले नहीं हम सरकार 700 मद्रासा चलाता हूँ, वही टीचर का सैलरी देना है। मैं बोला आप कितना दिन से नौकरी कर रहे हैं, बोले सर हमारा 20 साल हो गया। बोला सरकार का काम क्या मुल्ला बनाना सरकार का काम होता है क्या, मुल्ला बनाना सरकार का काम होता है क्या? बोले नहीं सर ऐसे तो सली रहा है। मैं बोला सल रहा है तो रहा है, ठीक है आज से और दुकान को बंद कर दो, जब तक मैं सीएम हूं तब तक ये दुकान मेरा सामने लेके मत आओ। हमारा काम क्या होता है, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, मुल्ला बनाना हमारा काम नहीं है। लेकिन आज ये जो सिद्धांत है बाबरी मस्जिद का जगह में राम मंदिर बनाना, देश से मद्रासा को बंद करना, तुष्टिकरण का जगह में सर्वधर्म समभाव नीति लाना, ये अगर बीजेपी नहीं है तो कभी संभव नहीं है। आज आप देख रहे हैं बाढ़ है, वो इसराइल में जाके क्या किया, बच्चा को गोली मारा, बच्चा को किडनैप किया, बच्चा को उठा के लेके गया, 500 लोगों को वो लोगों ने होस्टेज बनाया। प्रधानमंत्री जी ने निंदा किया कि संत्रासवाद का, हमें खोले आम में निंदा करता हूं। राहुल गांधी ने क्या बोला, कोई एक शब्द हमास का खिलाफ नहीं बोला। किसलिए नहीं बोला, किसलिए, अगर मैं इज़राइल का हमास का विरोध कर दो तब तो भारत का हमास मुझे खराब पा जाएगा, इसीलिए भारत का हमास का डर में मारे राहुल गांधी हमास का खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। लेकिन मैं 370 हटा दो, हम देख लेगा जो होगा बाद में। आज हमारा देश में जो लोग बम फूटा रहा था पीएफआई लोग, अमित शाह जी ने क्या किया, रातों रात पीएफआई लोग को जेल में बंद कर दिया। आज भारत में कोई बम धमाका नहीं होता है और कहीं में गलती से अगर बम धमाका कर लिया, ये हमास लोग जानते हैं कि इज़राइल अगर 2 किया है, नरेंद्र मोदी 4 करेगा, पाकिस्तान में जाके जो ट्रीटमेंट देना है वो मोदी जी दे देगा। करेगा नहीं करेगा वो तो समय का बात है, लेकिन हमास लोगों को मालूम है, भारत का हमास लोगों को, ये प्रधानमंत्री जी देश के लिए कुछ भी कर सकता है, ये सारे हमास लोगों को मानना है कि बाबरी मस्जिद पालने वाले पार्टी को आप लोगों को जिताना है। आप श्री शंकराचार्य का प्रतिमूर्ति देखने का, प्रतिमा देखने का मुझको सौभाग्य मिला। आज उज्जैन में जो कॉरिडोर बन रहा है उसी से भारत का सनातन हिंदू का जो गर्व है वो हजारों गुना बढ़ा है। पूरा देश में आज काशी कॉरिडोर का बारे में चर्चा होता है। भाई और बहनों, एक बार आप लोग सोच लीजिए, अगर दिग्विजय सिंह का सरकार होता था आज भी मध्य प्रदेश में, क्या मध्य प्रदेश का ये विकास संभव? कोई ऋण माफ नहीं हुआ, बार बार घोटाला बनने लगा, बार बार जो सुशासन का एक नील रखा था शिवराज जी ने, उसको कमलनाथ जी ने कुशासन तक परिवर्तन कर दिया।
अभी कमलनाथ जी बोलते हैं कि मैं हनुमान का भक्त हूं। अरे भाई, आप हनुमान भक्त है, लेकिन आप लोग जैसा हनुमान भक्त होते हुए आप लोगों ने राम मंदिर क्यों नहीं बनाया था? आप लोग जैसा इतना महान हनुमान होते हुए, मैं कमलनाथ जी का अभी थोड़ी दिन से स्टेटमेंट पर, लेकिन साथ में मैं बोल सकता हूं कम से कम राम मंदिर कांग्रेस का नहीं है तो मैं 100% में बोल सकता हूं। भाइयों और बहनों, आप लोग खुद सोचिए, बाबर क्या था? एक आक्रांता था। बाबर का मस्जिद बनाया राम मंदिर को तोड़ के। ये बाबर जो आक्रांता था, उनको उनका मस्जिद तोड़ के राम मंदिर बनाने के लिए नरेंद्र मोदी का क्या जरूरत था? यह काम तो जवाहरलाल नेहरू भी कर सकता था, यह काम तो लाल बहादुर शास्त्री भी कर सकता था, यह काम तो इंदिरा गांधी भी कर सकता था, यह काम तो राजीव गांधी भी कर सकता था, ये काम तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कर सकता था, नरसिम्हा राव भी कर सकता था। आप लोगों ने क्यों नहीं किया? आज आप लोग यहां में जो जितना लोग है, मेरे से बड़े लोग है, आप लोग अपना दिल को पूछिए कि नरेंद्र मोदी अगर शासन में नहीं आते थे, क्या देश को रामलला का इतना भव्य मंदिर मिल? अंबेडकर चौराहे पर स्थित पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते हर प्रोडक्ट की खरीद पर एक गिफ्ट एश्योर्ड मिलेगा, वो भी मार्केट से रीजनेबल प्राइस पर। दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा दुकान पर विजिट भी कर सकते हैं।